गाइस कैसे हैं आप सब लोग, वेलकम टू जॉन्टी गेमिंग। तो गाइस आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट प्रो 3 टिप्स, जिससे आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और ये तीनों टिप्स बहुत अच्छी है गाइस, आपको इनको फॉलो ज़रूर करना है। गाइस ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये वाली टिप्स, आप बहुत जल्दी इसको सीख जाओगे। एंड वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको सारी टिप्स अच्छे से पता लगे। और गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो गाइज वीडियो को कर दो लाइक, जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। साथ में नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको भी प्रेस कर दो। साथ में जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको गाइज ऑल पे सेट कर लो, ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी आ जाए। तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। और गाइज उससे पहले इन टिप्स को प्रैक्टिस कर लेना, एक बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा यूज़ करना। और एक बार अगर आप इसको सीख गए तो आपका गेम प्ले बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी पहली टिप की। तो हमारी पहली टिप है ऑलवेज ट्राई राइट साइड फॉर फायर। गाइज मैं आपको राइट साइड से फायर करने के लिए क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कोई भी घर होता है या कुछ भी ग्लू वॉल होती है, उसकी जो राइट साइड होती है, एनिमीज हो या कोई भी प्रो प्लेयर होगा वो उसकी राइट साइड से ही फायर करेगा। क्यों? क्योंकि गाइज जो हमारा ये एम देख रहे हो, ये जो गोला सा दिख रहा है आपको, ये ऑलवेज आपके राइट साइड में रहता है। तो जब ये राइट साइड की तरफ रहता है तो हम जब घर की राइट साइड से गोलियां मारते हैं तो वो थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है और हमें कवर ज़्यादा नहीं छोड़ना पड़ता है राइट साइड से, और हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है राइट साइड से फायर करने पे। तो ऑलवेज जब भी आपने देखा होगा या कभी भी नोटिस करना, कोई भी प्रो प्लेयर होगा वो हमेशा राइट साइड से ही करेगा। अभी आप देखो मैं लेफ्ट साइड आया हूँ, अभी भी हमारा जो फायर का एम है वो देखो पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में है। अगर मैं थोड़ा सा बाहर निकल के मारूंगा तो मेरे को बहुत ज़्यादा कवर छोड़ना पड़ेगा, और अगर मैं यहीं खड़े खड़े मारूंगा तो वो राइट साइड की तरफ गोली जाएगी। तो इसीलिए आप देख रहे हो कितना ज़्यादा कवर मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो ऑलवेज जितना हो सके आपको राइट साइड का यूज़ करना है एनिमी को मारने के लिए। अब हम बात करते हैं गाइस इसी की, सेम जब ग्लू वॉल होती है। तो गाइस कभी भी नोटिस करना, आप जब भी आप मर जाते हो एनिमी से, या फिर आप एनिमी को किसी को स्पेक्टेट कर रहे हो या अपने टीममेट को स्पेक्टेट कर रहे हो या किसी भी प्रो प्लेयर को कभी आप देखते हो यूट्यूब पे, तो गाइस हमेशा देखना कि वो ग्लू वॉल के राइट साइड से करता है। अगर वो लेफ्ट से करेगा तो उसको जंप करके बाहर आना पड़ता है या उसको ऐसे आना पड़ता है, इसमें वो बहुत ज़्यादा कवर छोड़ देता है। कवर छोड़ेगा तो एनिमी जब भी गोली मारेगा आपको गोली लगेगी ही लगेगी, लेकिन जब आप राइट साइड से फायर करते हो तो आपका एम थोड़ा सा बाहर होता है, उससे आप आराम से गोली मारते हो और कवर भी बहुत जल्दी ले लेते हो। तो ऑलवेज जितना हो सके आपको राइट साइड का यूज़ करना है, आपने हमेशा राइट साइड को ही यूज़ करके खेलना है। अभी यहाँ पर देखो मैंने एक एनिमी को मारा है, ठीक है, अब आप देखना मैं कवर जैसे ही लूंगा मैं राइट साइड से, देख रहे हो आप खुद देखो मैं इस पिलर के राइट साइड से उसकी ग्लू वॉल तोड़ रहा हूँ, ताकि और क्योंकि मैं राइट साइड से बहुत जल्दी कवर में आ जाऊंगा अगर वो मुझे गोलियां मारेगा। तो ऑलवेज यूज राइट साइड, अगर आपने राइट साइड को यूज करना सीख लिया एक बार गाइस तो आप बेस्ट प्लेयर बन जाओगे फ्री फायर के, और आपको बहुत ईजी हो जाएगा एनिमी को मारना। आपको लेफ्ट साइड हमेशा तब यूज़ करनी है जब आपके पास कोई चांस ही नहीं बचता है, देखो यहाँ पर, और मेरे को लेफ्ट साइड में फायर करने के लिए जंप करना पड़ा। तो गाइस अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 2, जो कि है बेस्ट लैंडिंग। गाइस यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गलती करते हो, कई बार आप क्या गलती करते हो कि लैंडिंग करने में आप इतना लेट कर देते हो कि एनिमी आपसे पहले नीचे लैंड कर जाता है, उसके पास गन होती है और आप अभी उतर ही रहे होते हो। तो गाइस ऐसे में आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको जिस भी जगह पे उतरना है वहाँ पर मार्क करो और उससे थोड़ी सी दूरी से आपको कूदना है। ऐसा नहीं है कि उसके
ऊपर जाके कूदना है या उसके मतलब एकदम पास पहुंच के कूदना है, ऐसे में आप बहुत लेट हो जाते हो और एनिमी आपसे पहले उतर जाता है। अभी यहाँ पर मैंने कितनी दूर से जंप किया और आप देखो एनिमी अभी उतर ही रहे हैं। अब मैं आपको बताऊँ, देखो मैंने यहाँ पर मार्क किया है ब्राज़ीलिया में और देखो मैं कितनी दूर से कूदा हूँ। आपको जज करना है कि हमारा जो प्लेस है जहाँ हमें उतरना है वो कितनी दूर है, क्या हम इतनी दूर से पहुँच सकते हैं, और उस टाइम आपको पहले जंप करना है एनिमीज से। और जैसे ही आप एनिमीज से पहले जंप करोगे तो आपकी लैंडिंग उनसे पहले होगी। उन्होंने लेट लैंडिंग करी है तो वो अभी भी ऊपर ही हैं और आप देखो कि मैं नीचे की साइड पहुंच चुका हूं। इससे आपको फ़ायदा है गाइस, आपको गन पहले मिलेगी और आप एनिमी को इजीली मार पाओगे। तो ऑलवेज आपको थोड़ा से दूर से जंप करना है। गाइस अब हम बात करते हैं हमारी टिप नंबर 3 जो है स्मार्ट टिप। ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट टिप है गाइस, मैं सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करता हूँ अपनी गेम प्ले में। क्यों, मैं आपको बताता हूँ गाइस। जब भी आप किसी स्क्वाड से फाइट करते हो, यहाँ पर देखो मेरी एक स्क्वाड से फाइट हो रही है, उनका एक बंदा बहुत पहले यहाँ पे आ गया है, तो गाइस आपको हमेशा क्या करना है, अगर एनिमी कि स्क्वाड का एक अकेला बंदा आपके पास आ रहा है और आपने उसको नॉक किया है तो उसको उसी टाइम ख़त्म कर दो। क्योंकि गाइज अगर वो वहाँ पर ऐसे डाउन पड़ा रहेगा और आप वहाँ खड़े होकर मेडी मारोगे या कुछ भी है तो वो अपने टीममेट को हमेशा बताएगा कि जो एनिमी है वो, मतलब जो आप हो, वो यहाँ पर खड़ा है राइट साइड में घर के और वहाँ मेडी मार रहा है, जल्दी आओ। तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन ना दे पाए अपनी टीममेट को, उसको आप मार दो। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर आप देखो मैंने एक बंदे को नॉक किया, उसका एक और आ गया है, उसको भी मैंने नॉक किया, मेरे पास हेल्थ बहुत कम है, तो ऐसे में गाइस आपके पास नेड हो अगर तो आप नेड फेंक के वहाँ से भाग जाओ ताकि आपको मेडिकेट मारने का टाइम भी मिल जाए और जो एनिमी टीम के दो बंदे हैं वो आपकी पोजीशन भी ना बता पाए। अब एनिमी टीम के दोनों बंदों को मैंने मार दिया है तो लास्ट वाले को पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर हूँ और मैंने उसको इजीली मार दिया। अब इसी में आपकी स्मार्ट टिप नंबर 2 मैं आपको बताता हूँ। गाइस जब भी आपका कोई टीममेट ऐसे नॉक होता है तो ऑलवेज उसके आगे आपको एक ग्लू वॉल लगा देनी है ऐसे, फिर आपको एनिमी को मारना है। ऐसे फाइट में हमेशा अगर आपके पास ग्लू वॉल है तो अपने नॉकडाउन जो आपका टीममेट है उसके आगे ग्लू वॉल लगा देना है गाइस। क्योंकि गाइस जब भी आप ऐसे फाइट करोगे तो एनिमी टीम का एम आपके फ्रेंड के ऊपर आ जाएगा और आपका फ्रेंड वही मर जाएगा। लेकिन अगर आपने ग्लू वॉल लगाई होगी तो उससे आपका फ्रेंड भी बच जाएगा और एनिमी टीम ख़त्म भी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो मैंने ग्लू वॉल लगाई थी, मेरा एनिमी पूरा का पूरा ख़त्म भी हो गया है और मैंने अपने जो टीममेट को है उसको भी बचा लिया है। ये टिप थोड़ी सी गाइस प्रैक्टिस करने वाली है, अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आप बहुत अच्छा गेम प्ले करोगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो लाल कलर के बटन को दबा के, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लो। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।